हमरा रार माटेरी बोटी दादा रार बंगसेरे बोटी झारखंडी बोटी हमारा मूल निवासी बोटी झारखंडी बोटी हमारा मूल निवासी बोटी हमदेर निजेर भाषा अरे संस्कृति आयाचे हमदेर निजेर भाषा अरे संस्कृति आयाचे देखो जोईराम दादा गोटा झारखंड दिल्ली ही लाइन दीचे सित करके रखा है ना यहाँ पे बाहरी लोग यहाँ पे शोषित करके रखा है इसलिए दबाया जाता है इसलिए देख रहे हैं ना हमारा टाइगर दाका उसका पुतला दहन कर देता है इसको ये लोग कहाँ से इतना साहस आता है उसका पुतला दहन करेगा ठीक है तुम लोग झारखंड में विरोधी बल तैयार किया था कोई बात नहीं था लेकिन उसका पुतला दहन क्या करेगा हम लोग हम चुप नहीं रहेंगे ठीक है ना मुतर जवाब देंगे क्या समझ कर रखा है आगे भी अगर इस तरह कोई भी अनर्गल बयानबाजी करोगे तो जो है जो कमाने खाने के लिए तुम लोग जो आए हो ये कमाने खाने का भी आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा हमारे लोग शिक्षित हो चुका है। अच्छा एक बात बताइए जयराम मातो एक विचारधारा बन के हमारे सामने है तो उनके आदर्श को आप फेलियोर करने के लिए इस तरह का कुकृत कर रहे हैं हमारी संस्कृति हमारी प्रकृति हमारी विकृति अगर कोई अगर बनाना चाहे तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और इसीलिए इस मतलब उनके विरोध में विरोधियों 32 के खतियान के विरोध विरोधियों के विरोध में हम लोग एकजुट हुए हैं तो टाइगर जयराम दागर कहते थे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा बन सके तो जवाब रखना मेरा खून का करना चाहे मेरा खून का हिसाब रखना ये आम बगान मैदान में 1932 के विरोधियों के जवाब में आज युवा जन आक्रोश रैली कर रहे हैं वो विरोधियों को आज देखना चाहिए कि युवा क्या कह रहे हैं आज आप लोग यहाँ आम बगान मैदान जमशेदपुर में किस चीज़ का इतना आक्रोश में है आप लोग कुछ ही दिन पहले 1932 का विरोधियों के दौरान टाइगर जयराम महतो का पुतला दहन किया गया तो उसी के अगेंस्ट में हम लोग आए हैं कि आपका इतना हिम्मत कैसे हुआ कि जो एक झारखंड का विचारधारा जो है झारखंडी विचारधारा का सूत्रपात जिसने किया शहीद निर्मल महतो के बाद अगर किसी ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया तो वो टाइगर जयराम महतो है तो अगर जयराम महतो एक विचारधारा बन के हमारे सामने है तो उनके आदर्श को आप फेलियोर करने के लिए इस तरह का कुकृत कर रहे हैं हमारी संस्कृति हमारी प्रकृति हमारी विकृति अगर कोई अगर बनाना चाहे तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और इसीलिए इस मतलब उनके विरोध में विरोधियों 32 के खतियान के विरोध विरोधियों के विरोध में हम लोग एकजुट हुए हैं तो टाइगर जयराम दागर कहते थे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा बन सके तो जवाब रखना मेरा खून का करना चाहे मेरा खून का हिसाब रखना ये निर्मल दा का कहना है तो उन्हीं के बातों को बार बार दोहराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं उनका विचार को हम लोग मतलब भूल जा रहे हैं और जिसके चलते हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भी देखिए खतियानी जोहार का नाम लेते हुए सबको मतलब मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है तो इस तरह से अगर मतलब सिर्फ मतलब 32 का नाम करके कब से मैनिफेस्टो में या JMM का मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है लेकिन अभी तक कुछ नहीं अभी 32 का विरोध में इनको ये लोग आ गए हैं तो कहते हैं हेमंत ये तो हिम्मत है तो हिम्मत है क्या तो हिम्मत अगर भ्रष्टाचारियों की हिम्मत हो गया क्या या मतलब जो भी बाहरी तत्व दिखू जिन दिखुओं के विरोध में हमारा बिरसा मुंडा सिद्धू कानू ने विद्रोह किया उलगुलान किया था उन्हीं दिखुओं ने फिर से हमें भड़काने का काम कर रहे हैं उन्हें हमें बरगलाने का काम कर रहे हैं हमें जातियों में आदिवासी मूलवासियों में लड़ा रहे हैं तो इस तरह का अगर कुकृत किया जाएगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और उसी विरोध के लिए हम लोग आए हैं तो इसीलिए कहेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो तो वो शीशा हमें जयराम दा के तौर पर मिल चुका है और इसीलिए अब जाचना निरन होगा जीवन जय या फिर मरण होगा सुन लो दुर्योधन अब युद्ध ऐसा होगा पहले कभी ना जैसा होगा तो अब जब युद्ध करने की बारी आ गई है अब हो चुका आगाज रन का अब युग बदलने की बारी है मगर जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है तो हम लोग संघर्ष शुरू 32 के लिए या हमारे झारखंड के लिए 88 साल से संघर्ष किया है उसके बाद भी 23 साल से अगर संघर्ष कर रहे हैं तो इसी हक और अधिकार के लिए तो अगर कोई हमें दूध मांगेगा तो खीर देंगे लेकिन हमें हमारे अधिकार अगर हमसे कोई छीनेगा तो उसको चीर देंगे तो इसीलिए हमें यही एकता यही एकजुटता यही समरसता को लेकर हमें चलना है हमारी समरसता को जो तोड़ने का काम करेगा जो हमें तोड़ने का काम करेगा उसे हम भी तोड़ेंगे इसलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं तो इसीलिए अगर
बाबूलाल मरांडी के द्वारा 2003 में डोमिसाइल का नाम लिया गया था। 1932 के हथियार को लागू करने का प्रयास किया था। तो इन्हीं दिक्कुओं ने, इन्हीं बाहरियों ने हमें लड़ाने का प्रयास किया। हमारे यहाँ पर हर जगह दंगा फसाद कर्फ्यू तक किया गया। यहाँ पर जमशेदपुर देखिए, धनबाद देखिए, बोकारो देखिए, रांची देखिए, सब जगह ऐसा दंगा करवाया कि फिर से मतलब बाबूलाल मरांडी को ही सत्ता से बेदखल करना पड़ा। उसके बाद अर्जुन मुंडा 3 बार तक सीएम बना, लेकिन कभी डोमिसाइल 32 का खतियान का नाम नहीं लिया। तो उसी 32 का खतियान का अगर हम फिर से नाम ले रहे हैं तो कौन सा बड़ा गलती कर रहे हैं। जेएमएम का मैनिफेस्टो में लिखा हुआ, जेएमएम का संविधान में लिखा हुआ है कि 1932 का खतियान हम लोग लागू करेंगे और कुर्मी को भी आदिवासी बनाएंगे। लेकिन अब कुर्मी और आदिवासी का नाम पे यहाँ पर जाति को लड़ा रहा है ये लोग, बाहरी लोग का ये सब साजिश है। जबकि कहे कि हमारा अगर आदिवासी मूलवासी एकता बना है और जेएमएम का अगर गठन हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो कुर्मी और आदिवासी महतो मांझी भाई भाई का समरसता को लेकर हुआ है। इसीलिए शिबू सोरेन को और यहाँ पर विनोद बिहारी महतो ने जेएमएम का स्थापना किया। लेकिन हमें आदिवासी मूलवासी आदिवासी भाइयों को बरगलाया जा रहा है कि तुम्हारा अधिकार को महतो लोग छीन लेगा। ऐसा कहीं नहीं हो सकता है कि हम लोग कभी नहीं छीने, कभी हम लोग सबको बसाने का काम किया, सबको हम लोग आसरा दिए हैं। लेकिन हमें यहाँ पर भड़काने का काम किया जा रहा है। ऊपर से बाहरी लोग हमारा अधिकार को छीन रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं चल रहा है। सिर्फ खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे सीएम हेमंत सोरेन, लेकिन उनको पता नहीं कि यहाँ का दुश्मन कौन है। उनको एक भी काम सही ढंग से करने नहीं दिया। भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना गया है। यहाँ पर पेपर लीक अगर हो रहा है तो पेपर लीक कभी झारखंड में कभी नहीं हुआ था। पेपर लीक बिहार यूपी में ही होता था, लेकिन अगर झारखंड में हो रहा है इसका मतलब बाहरी का यहाँ पर हिम्मत बढ़ रहा है। हेमंत है तो हिम्मत है, तो क्या वही दो नंबरी काम के लिए हिम्मत है? आपका सही काम के लिए किसी को हिम्मत क्यों नहीं हो रहा? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध करने के लिए क्यों नहीं हिम्मत हो रहा? ऐसी हिम्मत का जरूरत है और उसी हिम्मत के लिए यहाँ पर सबको आए हैं। तो आज के बाद से और कभी हमारे सामने कोई 32 का विरोधी हमें कोई ऊंचा आवाज से बात नहीं करे, उसके लिए हम लोग यहाँ सामने हुए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे हैं यहाँ जनता, जो झारखंडी जनता है, झारखंडी युवा है, ये बहुत जागरूक होकर के अपने जो विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। आखिर 1932 का ही विरोध जो है बाहरी तत्व क्यों कर रहे हैं आपके झारखंड में? आज देखिए, झारखंड विरोधी लोगों की मानसिकता आज इतना बढ़ गया है, उन लोग आज झारखंडियों के ऊपर शोषण करते 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 उनका मन इतना बढ़ गया है कि झारखंड के लोग उदार है, सरल प्रवृत्ति के लोग हैं। यहाँ के लोगों पर जो थोपेंगे, जो बोलेंगे, इन लोग कुछ विरोध नहीं करेगा। आज हम लोग इस मंच से झारखंड के युवा जाग चुका है। आज मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अरे भाई, तुम लोग 1932 का खतियान का जो विरोध करते हो, अगर तुम लोगों ने खोया किया है। आज जमशेदपुर में आकर तुम लोग सिर्फ तो कमाने के लिए आए हो, तुम लोगों ने खोया किया है। हम लोगों ने टाटा स्थापित जब हुआ तो हम लोगों ने हजारों हजार हमारे बस्तियां उजड़ गई, हमारे लोगों का गांव को बर्बाद कर दिया गया, हमारे लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। उन लोगों के लिए ना पुनर्वास बना है, ना कुछ बना है। यहाँ आदिवासी मूलवासियों का जो गांव था पहले, टाटा कंपनी जो है जबरदस्ती से उस गांव को उजाड़ करके वहाँ के लोगों को साथ अत्याचार करके, मारपीट करके, भगा करके टाटा कंपनी बैठाया गया। और तुम लोगों को बाहर से आकर के तुम लोगों को रोजगार दिया है। आज तुम लोग रोजगार करते करते आज हमें लोग जमीन मालिकों के ऊपर ही तुम लोग आज मतलब जबरदस्ती कर रहा है। ये चेतावनी है तुम लोगों के ऊपर कि आज जमीन मालिक, झारखंड का मालिक का बेटा जाग चुका है। और आगे भी अगर इस तरह कोई भी अनर्गल बयानबाजी करोगे तो जो है जो कमाने खाने के लिए तुम लोग जो आए हो, ये कमाने खाने का भी आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। आज हमारे लोग शिक्षित हो चुका है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा काम झारखंड में ही क्यों होता है कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं उन लोगों का विरोध किया जाता है, ये दूसरे प्रदेशों में नहीं होता है? यही तो कह रहे हैं ना कि आज देखिए उनका मनोबल कितना बड़ा है। आज झारखंड में जो लोग आते हैं ना, कभी जाने का नाम नहीं लेते हैं। कारण यही है कि यहाँ के लोग उदार प्रवृत्ति के लोग हैं, यहाँ के लोग सरल प्रवृत्ति के लोग हैं, यहाँ के लोग शोषित होते हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन आज का नौजवान मैंने जाग चुका है, उलगुलान शुरू हो चुका है। और आज जो जमशेदपुर के आम बगान की धरती से ये उलगुलान का शुभारंभ होगा, वो जवी कैसे के नेतृत्व में हर गांव के नौजवानों का जगाया जाएगा कि कहीं भी अगर तुम लोगों के ऊपर शोषण होगा तो आगे आकर तुम लोग नेतृत्व करो, आवाज़ बनो, क्योंकि कितने दिन तक शोषित होते रहोगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जो है कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा लगातार आप लोगों के जो अध्यक्ष हैं जयराम जी, उसका विरोध लगातार किया जा रहा है,
रहा है, कुछ मीडिया जो है उसको भी वो भी जो है लगे हुए हैं जयराम जी का विरोध करने, जयराम जी के बारे में अनर्गल बातें करने, तो इसको आप लोग कैसे कब तक लड़ते रहेंगे? मैं उन मीडिया को भी कहना चाहते हैं जो सरकार का चापलूसी करता है, जो झारखंड के जनमानसों की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं, यहाँ के आवाज़ों को उठाने का प्रयास नहीं करते हैं, मैं उन मीडिया बौद्धों को भी कहना चाहते हैं कि आपने अपने विवेक से पूछिए कि झारखंड के लोगों का स्थिति क्या है। आज झारखंड के लोगों का जमीन खत्म हो गया है, आज बाहरी लोगों ने जबरदस्ती करके, आज देखिए जमशेदपुर में 17 मौजा जो है आज करीब यहाँ पर ये काली माटी से लेकर के बिष्णुपुर से लेकर के मानगो से लेकर के साक्षी से लेकर के कभी गाँव हुआ करता था, हजारों हजारों लोग हमारे यहाँ मैंने जंगलों को काट करके पहाड़ों को काट करके खेती करते थे, आज देखिए जबरदस्ती से सीएनडी का उल्लंघन करके बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर दिया है। आज कहाँ है डीसी साहब जिसको सीएनडी का जो है उसको पालन कराने का जिम्मा दिया गया है, और जिस तरीके से अवैध तरीके से नक्शा का विचलन करके यहाँ को अवैध तरीके से कितना बिल्डिंग खड़ा किया जा रहा है, झारखंडियों को जमीनों को जबरदस्ती लूटा जा रहा है, आज जो है आज जागने की जरूरत है। आज अगर झारखंड के लोग नहीं जागेगा तो आने वाला दिन झारखंडी नाम का कोई नाम नहीं रहेगा, सब एकदम भिखारी जैसा बन जाएगा, कोई झारखंड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज जरूरत है झारखंड के नौजवानों को जागने की। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जो लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, यार जागो नहीं तो वरना तुम्हें जो है अपने घर से तुमको भगा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए आज हम लोग जो मांग कर रहे हैं, कहीं हम लोग बिहार में जाके महाराष्ट्र में जाके कोई मांग नहीं कर रहे, अगर हमारे घर में खाना बनता है तो सबसे पहले हमारे घर के बच्चों को खाना दिया जाना चाहिए, बचेगा तो बाहर के लोग खाएगा। आज हमारे घर में खाना बनेगा तो क्या बाहर के लोगों को पहले खाना दिया जाएगा? पहले खाना बनेगा तो पहले झारखंड के बच्चों का जो है पेट भरेगा, उसके बाद बचेगा तो बाहर के लोग खाएगा। चलिए तो देख रहे हैं आप जो दोस्तों, ये झारखंडी युवा का एक जबरदस्त आंदोलन आक्रोश है, और ये आज काफ़ी भारी संख्या में यहाँ आम बगान मैदान जमशेदपुर में ये एकत्रित हुए हैं और जन आक्रोश रैली के तहत उन विरोधियों को जवाब दे रहे हैं जो इनका झारखंडियों का अपमान करते हैं, झारखंडियों का अपमानित करते हैं। और हमारे साथ में जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड के युवा हैं, आज यहाँ काफ़ी आक्रोशित हैं जो उन विरोधियों को जवाब दे रहे हैं जो 1932 का और झारखंडियों का अपमानित करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन महतो है। चंदन महतो जी, आज आप आम मकान में आक्रोश के रैली करने के लिए उतरे हैं और काफी संख्या में युवा आप लोग आए हैं, इस तरह से कम संख्या में, इस तरह से बाहरियों के द्वारा झारखंडियों का ही अपमान कैसे कर दिया जाता है, दूसरे प्रदेशों में नहीं होता है? यही तो झारखंड का फंडा है ना जी, यहाँ पे शोषित करके रखा है ना, यहाँ पे बाहरी लोग यहाँ पे शोषित करके रखा है, इसलिए दबाया जाता है, इसलिए देख रहे ना हमारे टाइगर दाका उसका पुतला दान कर देता है, इसको ये लोग कहाँ से इतना साहस आता है, उसका पुतला दान करेगा? ठीक है, तुम लोग झारखंड में विरोधी मंच तैयार किया था कोई बात नहीं था, लेकिन उसका पुतला दान क्या करेगा? हम लोग हम चुप नहीं रहेंगे, ठीक है ना, मुतर जवाब देंगे, क्या समझ कर रखा है? अरे आप लोगों को जो झारखंडी है आप लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाता है कंपनी के नाम पर, और इसके बावजूद जो है आप लोग अपने जो मूल घर है, अपने मूल गांव है, उसको छोड़ करके भाग जाते हैं, और आज जो है अभी आप लोगों को गाली देने का भी काम किया जा रहा है बाहरियों के द्वारा। तो गाली देखिए ना, गाली अभी पूछता तो सब कुछ कर दे रहा, हम लोग का तो विस्थापन कर ही रहा है, अब हम लोग का विस्थापन करके दूसरे राज्य पे जा रहा है, वहाँ पे हम लोग का थोड़ी दे रहा है कि वहाँ के यहाँ पे राज्य का बाशिंदा बन जाओ बोल के, वहाँ पे थोड़ी हम लोग कमाने के लिए खाने के लिए देता है, ठीक है। आप लोग ऐसे कब तक गिड़गिड़ाते रहेंगे सरकार से? बस यही तो उसी का तो तैयारी है जी, अब ज्यादा देर नहीं है, अभी हम लोग सब कुछ तैयार कर लिए है, ठीक है ना, अब ज्यादा देर नहीं, झारखंड बहुत जल्द नियोजन नीति स्थानीय तो सब कुछ बन जाएगा, ठीक है ना, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और बहुत जल्द होगा। तो बाहरी लोग तो फिर भी अपना वो लोग भी तो आंदोलन करेंगे जैसे 2000 में बाबूलाल मरांडी के समय किया था, उस समय झारखंडी एकजुट नहीं थे, आप लोग एकजुट नहीं थे, तब आंदोलन करके 1932 खाद्यान्न को हटा दिया था वो। अब ना हम लोग एकजुट हो गए, देख सकते हैं ना, अभी हम लोग पूरा झारखंड एकजुट हो गए, ठीक है ना, हम लोग को लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब एकजुट है और एकजुट होकर हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग आंदोलन में इस आंदोलन में सफलता मिलेगा हम लोग पक्का। आप लोग 2024 में एकजुट रहेंगे? एकदम रहेंगे, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब को एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग के लिए, बाहरी को लेकर दिक्कत हो सकता है लेकिन हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। चले तो दोस्तों ये है जन आक्रोश रैली के तहत आम बगान मैदान जमशेदपुर में, आने वाले समय
में देखते हैं ये युवा जो है और भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक तो गाना गाना चाहता हूँ। हाँ गाइए गाइए, क्या गाना गाना? सुबह के जोहार, हमें एक झारखंडी गाना। नाम पहले बताइए, अपना नाम बताइए। सुकुमार महतो। उधर देखिए, सुकुमार महतो। बोलिए। हमें एक गाना गाते चाहिए झारखंड नहीं है, जयराम दादा नहीं है, जे हम तो वर्तमान झारखंड आंदोलन 1932 खोजाना लड़ाई चल छे ए जने जोहार। हमरा राहर माटीर बोठी दादा राहर मासर बोठी, हमरा राहर माटीर बोठी दादा राहर बंगसर बोठी, झारखंडी बोठी हमरा मूल निवासी बोठी, झारखंडी बोठी हमरा मूल निवासी बोठी। आमदेर निजेर भाषा अरे संस्कृति आछे, आमदेर निजेर भाषा अरे संस्कृति आछे, देखो जयराम दादा गोटा झारखंड दिल्ली हिलाई दीछे, देखो जयराम दादा गोटा झारखंड मुंबई हिलाई दीछे। निर्मल सुनील दादा आमदेर नेता छिलो, निर्मल सुनील दादा आमदेर नेता छिलो, झारखंडर जने देखो केमन आंदोलन करेछिल, आमदेर झारखंड राज्य देखो केमन अलग करे दिल। बेबी दीदी जयराम दादा आमदेर नेता बटे, जयराम दादा बेबी दीदी आमदेर नेता बटे, झारखंडर जने देखो केमन आंदोलन करेछे, आमदेर चाकरीर जने देखो केमन आंदोलन करेछे, गरीबेर जने देखो केमन आंदोलन करेछे। हमरा राहर माटीर बटी दादा राहर वंशेर बटी, हमरा राहर माटीर बटी दादा राहर वंशेर बटी, झारखंडी बटी हमारा मूल निवासी बटी, झारखंडी बटे हमारा मूल निवासी बटे। खतियानी जोहार। तो देखा आपने ये जो झारखंड के युवाओं का एक एक भावना, जन भावना आगे लगातार बने रही है। हम आम बगान मैदान में लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लगातार आपसे बने रहिए।